हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अबू हुरैरा। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं अक्सर चलते फिरते, और क्लास के अंदर भी स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो एक ही बात करते हैं, सर पुशअप्स नहीं लगते, पुशअप्स नहीं लगते, पुशअप्स नहीं कराया करें। भाई पुशअप्स नहीं कराएंगे तो हैंड पावर आपकी कैसे बनेगी। ठीक है, ये जिम तो है नहीं मेरे पास, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ तो मैं जो बेसिक्स हैं वो पुशअप से ही स्टार्ट होती है। जिम में भी आपको पहले पुशअप ही करना पड़ता है, तो पुशअप बहुत ज़रूरी है। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप इजीली अपनी हैंड पावर बना सकते हो और फिर आप परफेक्ट पुशअप्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। हाँ, तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुशअप्स के अंदर एल्बोज़ कहाँ पे होंगी। अब ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं, एल्बोज़ अपनी बिल्कुल चिपका लेते हैं और इस तरह करके पुशअप्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी पुशअप्स सही है एक तरीके से, क्योंकि इस पर आपका सिर्फ सिर्फ ट्राइसेप पे वर्कआउट होगा, आपका चेस्ट का वर्कआउट नहीं होगा, आपके जो है शोल्डर्स का वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने करना ये है, ना ज़्यादा वाइड करना है आपने शोल्डर्स को, हैंड्स को ना ज़्यादा क्लोज करना है, आपने दरमियाना रखना है बीच में, और इस तरह आपने पुशअप्स लगाने हैं। आपका हैंड इस पोजीशन में यूं चलेगा, ठीक है, ये हैंड चलेगा आपका। ओके, अब मसला क्या आता है कि ये पोजीशन भी बन जाती है लेकिन लोगों से पुशअप्स नहीं लग रहे होते। ज़्यादातर लोग जो है वो यूं कर रहे होते हैं, या जो है ना वो यूं कर रहे होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ऐसे ऐसे पुशअप्स लगा रहे होते हैं, या वो यूं कर रहे होते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें आपकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने पुशअप्स क्या करना है, आपने लेट्स सपोज मैंने ये हैंड रखे हुए हैं और मैंने ये जाना है और वापस आना है, ना ज़्यादा वाइड किया हुआ है ना ज़्यादा क्लोज किया हुआ है, बिल्कुल मीडियम इस तरह, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह मैंने पुशअप्स लगाने। अब ये लोगों से लगते नहीं है क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं पिछले 17 साल से और शायद 18 साल से मैं पुशअप्स कर ही रहा हूँ शुरू से, तो मेरी हैबिट बन चुकी है। अगर मैं फिटनेस में ना भी हूँ तो मैं फिर भी 20-25 पुशअप्स लगा ही लेता हूँ, और अगर फिटनेस में हूँ तो 100 भी लगा लेते हैं, 150 भी लगा लेते हैं। तो करना आपने ये है कि आपने सबसे पहले बेसिक्स जो आप इजीली कर सकते हैं वो ये है कि आपने अपने घुटने जो है ज़मीन पर रखने हैं और अपने हैंड्स इस तरह रखने हैं। ठीक है, अच्छा, घुटनों को थोड़ा सा पीछे कर देंगे ताकि आपके हिप स्ट्रेट हो जाए। ओके, और हैंड्स आपने ये इस तरह रखना है, ठीक है, जो आपकी पुशअप्स की पोजीशन है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह नीचे जाना है, 1 then 2। आपकी बॉडी का आधा वेट हैंड पर है और आधा आपके घुटने पर है, जिसकी वजह से अब आपका हैंड्स जो हैं वो आपका वेट उठा सकते हैं। तो आपने ये आराम से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह पुशअप्स निकालना है आपने इजीली, और जब आप फील करें कि ये पुशअप्स अब मैं इजीली लगा सकता हूँ, यानी कि ये पुशअप्स आपके आपसे 10 10 10 के सेट्स आराम से निकल रहे हैं, 3-4 सेट आप निकाल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर आप आ जाएंगे अपनी लेग्स स्ट्रेट करके, लेग्स को मिलाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें कोशिश ये करनी, अब लोग ये भी करते हैं, जब ये गलती करते हैं हिप उठा लेते हैं तो सारा वेट सिर्फ शोल्डर पे आ जाता है, वो नीचे जा ही नहीं पाते। भाई हिप यहाँ रखने हैं नीचे, आपके हैंड्स जो है आपके चेस्ट के शोल्डर से स्ट्रेट चेस्ट के लेवल पे होंगे। ठीक है, आपने ये करना है पोजीशन, और फिर आपने नीचे जाना है और सामने देखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह आप इजीली ये पुशअप्स कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ आई होगी, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ट्रेनिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।